हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपकी दोस्त रंजीत कौर, जो एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हैं आपके अपने प्रोग्राम नई उमंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब पर यस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे प्रोग्राम्स सारे शोज आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप हर शोज के साथ हर प्रोग्राम के साथ आप अच्छे से जुड़ सकें। तो चलिए अभी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं बात करने वाली हूँ, यूनिवर्स लाइफ में ना काफी बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको सुनकर हम अनसुना कर देते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं, जानकर अनजान बन जाते हैं। लेकिन कई ऐसी सच्ची बातें होती हैं जब हम किसी को सुनाते हैं तो वो उनको बहुत कड़वी लगती हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो सच्ची होती हैं लेकिन कड़वी होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके सुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे लेकिन दुख में कभी आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिंदगी का ये रूल बना लीजिए कि आप सुख में किसी के साथ मौजूद रहें या ना रहें, लेकिन दुख में हमेशा उनके साथ रहिए। यू नो व्हाट, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा लेकिन ऑब्जर्व करते हुए भी आप अनजान बन जाते हैं। ये चीज देखी होगी आपने कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं और जो घोड़ी पर लड़का बैठा होता है उसके आगे सब खुशी से नाच रहे होते हैं, यानी कि वो खुशी में आगे होते हैं, और जैसे ही किसी की डेथ होती है या फिर किसी को कंधा दिया जाता है तो उस वक्त जो सारे लोग होते हैं वो पीछे होते हैं। तो इस चीज से आप जिंदगी को अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए कि लोग ऐसे ही होते हैं, आपके सुख में तो आपके आगे रहते हैं लेकिन जहां आपके दुख की बात आती है ना तो वहां आपको काफी ज्यादा पीछे नजर आएंगे। तो इन सच्ची और अच्छी बातों को ना हमेशा अपने माइंड में रखो। यू नो व्हाट, एक चीज आपने हमेशा ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप कोई फोन लेते हैं, कोई सेलफोन लेते हैं, कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं, तो आप उसकी बहुत सारी डिटेल्स को नेट पर सर्च करते हैं, आसपास लोगों से पूछते हैं कि भाई ये चीज हमारे लिए ठीक है, इसको परचेज करूं, ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन उसके ऊपर तो हम काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री कर लेते हैं, लोगों से जान भी लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिसको आप अपना बना रहे हैं या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं या फिर किसी के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं उसके बारे में कभी आपने जाना है? कोशिश कीजिए कि जिसके साथ आप अपना रिश्ता बनाने जा रहे हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारियाँ ज़रूर रखें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनको जानकर हम अनजान बन जाते हैं। लेकिन हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखना कि कुछ बातें हमारे अपने लिए भी सोचनी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये देखते हैं कि सामने वाले की सोच कर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे रख लेते हैं, लेकिन हमेशा खुद को आगे रखिए। मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि खुद की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पहचान से आपको लोग जानेंगे लेकिन दूसरों की पहचान से आपको लोग बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। आप कोशिश करते हैं कि कोई कारोबार शुरू करें लेकिन आपके पास इतनी इनकम नहीं होती, आप सोचते हैं कि हाँ भाई कोई शेयर कर दे, 50% हम डाल देंगे, 50% कोई और डाल दे, लेकिन क्या होता है ना, आप 50% डाल देते हैं, उसके बाद आपने नींव भी खड़ी कर दी है, लेकिन उसके बाद आपको अगर लोग पीछे कर देते हैं तो आपको कोई भी नहीं जानता। तो कोशिश कीजिए जो 50% आपके पास है उस 50% में ही कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसी चीज को इन्वेंट कीजिए जिससे आपको लोग जाने। यू नो व्हाट, छोटी सी चीज़ से ना हम कब बड़े पहुंच जाते हैं ना ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन अपनी नियत और अपने अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। बस यही थी आज की कुछ जानकारियां जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी, लेकिन अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं और देखते रहिए यस टीवी पर आपका अपना प्रोग्राम नई उमंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, बिल्कुल यस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। बाय बाय एंड टेक केयर।